नमस्ते, मेरा नाम गौरी भारस्कर है। मैं 16 साल की हूँ। इन दिवाली की छुट्टियों में मैं अपने होम टाउन गई थी, तभी से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। सबसे पहले तो मुझे फीवर और हेडेक हुआ। फिर मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे हेडेक और फीवर की मेडिसिन दी। उनने दिया हुआ मेडिकेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, और उतने में मेरी दिवाली की वैकेशंस ख़त्म होने में आ गई थी, इसलिए मैं नागपुर वापस आ गई। नागपुर आने के बाद में मेरी तबीयत और ख़राब हुई, तो मैंने यहाँ पे एक जनरल फिजिशियन से कंसल्ट किया, तो तब मुझे पता चला कि मुझे हर्पीज़ वायरस हुआ है। तो तब से मेरी हर्पीज़ वायरस की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। उसमें उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स मेडिसिन इंजेक्शन्स और सलाइंस दी थी, और इतना सब कुछ लेने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। पहले मुझे राइट साइड के लिप्स पे हर्पीज़ वायरस हुआ था, फिर वो लेफ्ट साइड में भी स्प्रेड हो गया था, और उससे हर्पीज़ की वजह से मुझे फीवर भी रहता था और हेडेक भी रहता था, और बाकी बॉडी एक और वीकनेस था। फिर उन्होंने दिया हुआ मेडिकेशन कोर्स कुछ 22 दिन तक हमने लिया। फिर हमें हमारे किसी परिचित ने विश्वताज आयुर्वेद के बारे में बताया, तो हमने डॉक्टर आयशा मैम से कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि लीज थेरेपी के बारे में सजेस्ट किया उनने। फिर उसे तभी हमने तुरंत लीज थेरेपी ले ली। तो लीज थेरेपी लेने के 1-2 दिन बाद ही मेरी लिप्स की स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो चुकी थी, और उन्होंने दी हुई मेडिसिन से भी मेरी 1 हफ्ते में तबीयत में बहुत बहुत हद तक सुधार आ चुका था। फिर उन्होंने जैसे जैसे पंचक्रिया की प्रोसेस हमें बताते गए, वैसे वैसे हम करवाते गए उतने, और वो प्रोसेस करवाने के बाद मेरी बॉडी में रिजल्ट्स भी दिखते गए, और अभी मेरी तबीयत पूरी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। पहले तो मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भरोसा नहीं था, पर जब मुझे हर्पीस वायरस हुआ और उसमें मैंने एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो फिर मैंने जब आयुर्वेदिक मेडिसिन ली तब ठीक हुई। तो तब से मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भरोसा करने लगी हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे फिर से कभी तबीयत खराब हुई अगर मेरी, तो फिर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लूँगी। धन्यवाद। I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime, I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given. ये मेरे नाना है, इनका नाम प्रभासी पंचभूत है, एज उनकी 73 है। इनको हर्पीस हुई थी, मतलब उसको नागिन बोलते हैं। उनके पैरों में बहुत बड़े बड़े फोड़ेज आ गए थे, बहुत कुछ हो गया था। जैसे हमने फिर इनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने गांव में की थी, तो उनको वहां से कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ था। तो फिर हम विश्वदास आयुर्वेदिक क्लिनिक में आए, तो मैम ने हमें सजेस्ट किया कि ये हर्पीस हुई है। तो फिर मैम ने जो भी ट्रीटमेंट बोली, जैसे हमने लीज थेरेपी, कफिंग और जो मेडिसिन दिए मैम ने, वो उससे रिलीफ हमें सिर्फ 20 दिनों में हुआ।